माना जाता है कि हम इंसानों के अनेकों पूर्वज इस धरती पर अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन इनमें से अनेक प्रजातियों को बुरी परिस्थितियों और मुश्किल हालातों के कारण हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त होना पड़ा और गिनी चुनी प्रजाति ही मुश्किलों का सामना करके इस पृथ्वी पर टिकी रही। यानी कहा जाए तो आधुनिक मनुष्य नर बानरों से संबंध रखते हैं और नर बानर उन स्तनधारी जीवों से संबंध रखते थे जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान थे। मनुष्य के साथ साथ आधुनिक बंदर तथा चिंपैंजी आदि स्तनधारी वर्ग से संबंध रखते थे। अगर उन्हें शारीरिक तौर पर देखा जाए तो उनके शरीर पर घने बाल होते थे तथा डरावना चेहरा व लंबे नाखून होते थे जो कि उस समय व भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार रहे होंगे। आदि मानव का जीवन काल आज के इंसानों से काफी ज्यादा होता था। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। उनके दांत आधुनिक इंसानों से विपरीत कई प्रकार के होते थे। उनके शरीर का तापमान स्थिर होता था। आज से लगभग 28 से 30 लाख साल पहले एक और समूह उत्पन्न हुआ था जिसे मनुष्य परिवार के सर्वप्रथम महामानव यानी होमोनॉइड कहा गया। इनमें वनमानुष शामिल थे। मनुष्य तथा नर बानरों में कई समानताएं पाई जाती थी। आरंभिक मनुष्य के मस्तिष्क बहुत छोटे होते थे तथा पीछे की ओर झुके होते थे। उनके शरीर पर घने बाल होते थे। वे बोल नहीं सकते थे परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। आरंभ में पशुओं की भांति चार पैरों पर चलना उनका काम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ सीधे पैरों पर खड़े होकर चलना उन्होंने जान लिया। फिर वे मांस को पकाकर खाने लगे जिसके चलते उनकी बुद्धि का और भी तेजी से विकास होने लगा और वे नई नई चीजें सीखने लगे।